हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय फिटनेस ब्लॉग। आई होप आप लोग सब अच्छे हो। गाइस, मैं बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आप लोग का एक नए ब्लॉग में, माय फिटनेस के ब्लॉग में। गाइस, तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ आप लोग को कहना चाहती हूँ, जो लोग नए हो मेरे चैनल पे, जो डेली ब्लॉग देखते हो, तो प्लीज़ एज अ रिक्वेस्ट आप लोग लाइक कर देना और कॉमेंट्स तो मैंडेटरी है, प्लीज़ कर देना। क्योंकि कॉमेंट से, आप लोग के मैसेज से मुझे पता चलता है कि मेरा ब्लॉग मतलब सही है, कहीं पर मिस्टेक है या फिर ऐसा कुछ, तो मुझे फीडबैक हेल्प हो जाएगा। सो प्लीज़ एक कमेंट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और उस बेसिस पे मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं। तो प्लीज़ 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 गाइज कमेंट्स कर देना, और जो लोग नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे इंस्टाग्राम को, माई फिटनेस माही सिंह माहू के नेम से इंस्टाग्राम, और एबी को भी। मैं सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और जितने भी ऑफिस से रिलेटेड, जितने भी एसएल से रिलेटेड लोग आप लोग देखते हो मैसेज, तो प्लीज़ उन लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर एक थोड़ा सा कमेंट्स कर दोगे तो मुझे बहुत हेल्प हो जाएगा। और कुछ मुझे चेंज करना है या कुछ डिफरेंट, तो वो मैं आप लोग के अकॉर्डिंग कर पाऊँगी, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ एज अ रिक्वेस्ट कर देना। तो गाइस, चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का ब्लॉग क्या रहेगा, क्या टॉपिक है, मैं बताती हूँ अभी। उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ गाइस, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार दिया। आज मेरा 5,000 हो गया यूट्यूब पे सब्सक्राइबर। तो बस रिक्वेस्ट है, आप लोग जितना मेरा ब्लॉग देखोगे, शेयर करोगे, मेरे लिए उतनी बेस्ट है, और मुझे भी हेल्प मिलेगा, प्लस आप लोग को भी मिलेगा। तो प्लीज़ एज अ रिक्वेस्ट। तो गाइस, चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं। वैसे आज का टॉपिक मिक्स रहेगा, ऑनबोर्डिंग से रिलेटेड भी रहेगा, और एक मैसेज आप लोग के, सर्विस नाउ पे कब स्टार्ट होगी ऑनबोर्डिंग वगैरह वगैरह। देखो, मैं डेली अपडेट दे देती हूँ ऑनबोर्डिंग से रिलेटेड, डेली कुछ ना कुछ ब्लॉग अपलोड कर देती हूँ। बट इन्होंने जैसे बोला था 25 सेप्टेम्बर के बाद से स्टार्ट हो जाएगी, मे बी अक्टूबर से बल्क में स्टार्ट होगी। बट देखो, किस रोल पे होगा, किस लोकेशन पे होगा, कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट होगी, अभी इन्होंने ऑफिशियल कहीं भी अपडेट नहीं किया है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है आप लोग के लिए, बोलो कि कितना टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत लोग 6 मंथ से 8 मंथ से वेट कर रहे हैं इनका हर ईयर। मैं आपको आज रियलिटी बताऊंगी, रियलिटी हर ईयर ये सेम कंडीशन होता है, ऐसा नहीं कि ये इस साल है। हर ईयर 6 मंथ इनकी हायरिंग होती है, 6 मंथ फ्रीज हो जाता है, 6 मंथ बच्चे परेशान रहते हैं। जो ये हायर तो कर लेते हैं, बट हायर उस बेसिस पे करते हैं, ये 50%, 60%, 20%, 30% ऑनबोर्डिंग कंप्लीट रखते हैं, बाकी बच्चे परेशान होते रहे, बाकी फ्रस्ट्रेट होते, क्योंकि वो बन जाते हैं ना उस केस में। आप लोग ने भी नोटिस किया होगा, बहुत लोग मुझे कहते हैं मैम इतने टाइम से कर रहे हैं, बट कैसे चेंज करें इसको, कैसे हम कहीं और जॉब कर सकते हैं वगैरह वगैरह। देखो, उस केस में मैं आप लोग को बताती हूँ एक चीज़। एक मैसेज आया था मुझे कि अभी मेरी हायरिंग मतलब कंप्लीट हो गई है, ऑनबोर्डिंग भी हो गया है, मतलब ज्वाइनिंग नहीं आया है। हाँ, तो ज्वाइनिंग नहीं आया है, उस बेसिस में क्या आप मतलब इनकी बिजली वगैरह सब कंप्लीटेड है, तो क्या आप जब तक आपको ज्वाइनिंग डेट नहीं मिलता तब तक आप कहीं और जॉब कर सकते हो, ऐसा है? देखो, वो डिपेंड करता है, अगर आपकी बीजीवी कंप्लीट हो गई है, मीन्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं, आपका जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन है, आप अगर प्रीवियस कंपनी में कर रहे तो सारे चीज़ ग्रीन में है, तो आप देन इस केस में कर सकते हो, अगर आपको टाइम लग रहा है या फिर अभी टाइम है तो इस केस में कर सकते हो। अगर आपकी बीजीवी पेंडिंग है तो आप मत करना, क्योंकि वेरिफिकेशन होगा, उनको कुछ ना कुछ लगेगा, वो रिजेक्ट कर देंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट था, इसलिए मैंने ये बीच में बताया आपको स्किप करके। तो गाइस, इसलिए स्टार्ट करते हैं सर्विस नाउ पे, सर्विस नाउ की, क्योंकि सर्विस नाउ एक ऐसी प्रोफाइल है, एक ऐसी साइट है, आप ऐसा बोलो मैनेज, कि बहुत हाइप में है इन पे, मतलब मोस्टली टूल्स यही यूज़ होते हैं सर्विस नाउ। सारे टिकट, सारे इंसिडेंट, RATM, जितनी भी वर्क होती है सब इसी पे होता है मोस्टली जगह। तो ये इन्होंने एक प्लेटफॉर्म ही आप क्रिएट कर दिया है सर्विस नाउ के लिए, जॉब के लिए, तो ये बेस्ट है, आप इसमें ग्रोथ कर सकते हो। अगर आप मैनेजमेंट लेवल पे हो या फिर इंसिडेंट वगैरह के लिए आपको वेरिफिकेशन वगैरह करना है, तो वो मस्ट है। तो इस पे ऑनबोर्डिंग कब होगा, क्या होगा, तो वो जब तक अभी आपको क्लेरिफिकेशन नहीं मिलेगा ऑनबोर्डिंग का, कितना टाइम लगेगा, क्या है क्या नहीं, तब तक आप किसी भी चीज़ों पर यकीन नहीं कर सकते हो गाइस, क्योंकि मस्ट है। SCL जब तक ऑफिशियल नहीं अपलोड करेगी,
चलो ठीक है, मैं आपको वीडियोस के जरिए बताती हूँ। जब तक ऑफिशियल नहीं अपडेट होगा तब तक आप किसी भी चीज़ों पे यकीन मत करना। मीन्स बहुत लोग बहुत चीज़ें कहते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट का अपडेट आ रहा है। देखो स्टार्ट तो हो गई है प्रोसेस, ये तो ट्रुथ है कि प्रोसेस इज गोइंग ऑन, बट किस किस को आ रहा है, किस किस पे है, ये बहुत रेयर केसेस चल रहे हैं। अभी देखो आपको 1 मंथ बाद जो हायरिंग होगी वो बल्क में होगी, मतलब बिल्कुल ये ऐसे ही बंदे फिल कर लेंगे ताकि इनको ये नहीं लगा किसका ऑनबोर्डिंग करे किसका ना करे, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो सर्विस नाउ पे भी बहुत जल्द अपडेट आ जाएगा। वैसे बीच में अपलोड भी हुआ था कि कब से ऑनबोर्डिंग होगा क्या वगैरह वगैरह, बट अभी फिर कोई अपडेट नहीं है, तो इसलिए सर्विस नाउ पे बहुत जल्द आ जाएगा। आप लोग वेट करो, इतने दिन वेट कर लियो, तो यही मैं कह सकती हूँ। बाकी एसएल की कंडीशन गाइस इतनी अच्छी नहीं है, आप लोग कहीं और ट्राई कर सकते हो तो प्लीज़ ट्राई करो। आपको मैं हर बार ये चीज़ कहती हूँ, हर एक वीडियोज़ में, हर एक ब्लॉग में। ठीक है, फाइनेंशियल फाइनेंशियल तो मैं नहीं कह सकती कुछ भी, बट हाँ इनका हर प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट कैसा है, कितने टाइम के लिए है, कितने मंथ के लिए है, हर चीज़ डिपेंड ऑन प्रोजेक्ट। और गाइस ऑनबोर्डिंग जितनी भी अदर अदर रोल में है, जीटी में है, टेकपी में है, सबका स्टार्ट। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो कॉन्फिडेंस ऐसा कॉन्फिडेंस मैं बता रही हूँ, जितने भी जीटी या टेकपी वाले हैं वो बिल्कुल दिल थाम के बैठो, आपकी ऑनबोर्डिंग बहुत जल्द होगी। क्योंकि आप अगर एक बार एसएल में आ गए हो, आपके 50% हो, 60% हो, 20% हो, डजेंट मैटर, आपका कंप्लीट होगा, क्योंकि वो आपको लेंगे लेंगे, क्योंकि उन आपका बॉन्ड ऑलरेडी हो जाता है, तो आपके लिए बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस वालों के लिए हो जाता है, एक्सपीरियंस वालों को बहुत कम होता है, बट फ्रेशर्स के लिए ज़्यादा होता है। तो प्लीज़ आप लोग जितना वेट कर लिए बहुत ही मीन्स अलॉट है, बट बहुत जल्द प्रोसेस हो जाएगा स्टार्ट। देखना नेक्स्ट मंथ जो है अक्टूबर में बिल्कुल ऑनबोर्डिंग चलेगी, बिल्कुल हायरिंग चलेगी। तो मैं आप लोग को जितनी भी लिंक है, जितनी भी साइट है, जो लोग जॉब करना चाहते हैं, मैं सारा लिंक अपलोड करूँगी, बताऊँगी। बट अभी करेंटली नहीं चल रहा है, अभी कहीं भी रोल वगैरह में नहीं है इवन डिसाइडेड, इसलिए मैं थोड़ा सा नहीं अपडेट कर रही हूँ। तो गाइस ये ब्लॉग आप लोग अच्छा लगा हो, अभी मेरा कल फ्राइडे है, कल ऑफिस जाना है, और आज तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। मैं सोचे थे 2-3 ब्लॉग शूट करूँगी, बट मन नहीं हो रहा है, ज़्यादा बोलने पे इच्छा नहीं हुई, बस एक ही शूट किया आज, बाकी कल करते हैं, कल अपडेट देंगे गाइज। और आप लोग का कमेंट्स का भी रिप्लाई करेंगे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, लिंकडिन पे। लिंकडिन पे एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है मेरे पास, जो मैं आपको कल के ब्लॉग में देंगे। तो गाइज ब्लॉग में बने रहना एंड तक, मैं एंड मतलब कल आपको कम्प्लीटली चीज़ें बताऊंगी जो एसएल की ट्रुथ है, जो आप लोग को नहीं पता है। कल का ब्लॉग बहुत ही अच्छा आने वाला है। और गाइज एक चीज़ मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, वो चीज़ मैं शेयर करूँगी सैटरडे या संडे में, तो वो ब्लॉग भी बने रहना, बहुत अच्छे आने वाले। तो आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना गाइज, प्लीज़ बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, ये बहुत ज़रूरी है नोटिफिकेशन हमारे लिए। जैसे आपके लिए जॉब मैंडेटरी, वैसे हमारे लिए ये चीज़ बहुत मैंडेटरी। तो चलिए गाइज बाय, टेक केयर।